फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है एचपी का, जिसका मॉडल है एचपी V9000। इसमें आप देखोगे ये खुल जाता है, ये प्रॉब्लम इसका हिंज का है। एचपी पवेलियन DV9000 मॉडल है, ये पुराना मॉडल है, ये बाहर का है। आप देखोगे ये टूटा हुआ है, इसका हिंज टूट रखा है। हिंज क्यों टूटते हैं, कारण आप समझो, इसका हिंज क्यों टूटते हैं। हिंज टूटते हैं यदि हमारा स्क्रू लूज हो जाए। जब हम उसको ऐसे करते हैं तो हमारा स्क्रू समय के साथ लूज हो जाता है थोड़ा, जब हम इस प्रकार करते हैं, या कोई झटका लग जाए या हिंच हमारे टाइट हो जाए। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक ये हिंच है हमारे पास, ये अब इतना टाइट चल रहा है तो ये हमें 101% हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ऐसे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हिंच को कैसे यूज करना चाहिए। इनको हमें टाइम टाइम पे इनके स्क्रू टाइट कराते रहना चाहिए, टाइम टाइम पे इन्हें दिखा दे लेना चाहिए कि हमारा ये हिंच, आप देखो ये कितना टाइट हो रखा है, ये टाइट बहुत हिंच टाइट हो रखा है। ये हमारा ऐसे इस पे स्क्रीन घूमता है, इस वजह से ये जब टाइट हो जाता है तो ये लोहा ही होता है, ये इसकी वजह से या तो हमारा ये हिंच लूज हो जाते हैं, ये स्क्रू लूज हो जाते हैं, या जब हमारा प्रेशर पड़ता है तो ये हमारा हिंच टूट जाता है, ये इस टाइप में टूट जाता है। आप देखोगे ये दो भागों में बढ़ जाता है, जिस वजह से ये आप ये कंडीशन हमारे लैपटॉप की ये कंडीशन ये हो जाती है। तो इन चीज से बचने के लिए आप सूरज कंप्यूटर्स पर आएं और अपने लैपटॉप को चेक करवाएं। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हम फिर इसके बारे में आपको बताते हैं, इंच के बारे में प्रोटेक्शन क्या ले सकते हैं इसमें। इसमें प्रोटेक्शन हमारी यही होती है कि सबसे पहले कि हमारा ये जो हिंज, ये यहाँ पे एक स्क्रू होता है जो फ्रंट पे स्क्रू लगता है, उसे टाइट करा लेना चाहिए। फ्रंट पे टाइट स्क्रू नहीं होते हैं तो अंदर खोल के बेजल को हटा के इसके अंदर जो स्क्रू होते हैं वो टाइट कराते रहना चाहिए। और यहाँ एक इसका बेस का और इसका इसकी भी स्क्रू होता है, जिसकी वजह से भी हमारे हिंज टूटते हैं, हमें उसे भी टाइट करा लेना चाहिए समय रहते हुए। तो अभी यदि आपको कोई समस्या है इस प्रकार किसी भी लैपटॉप में, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।